दिवाली जैसा त्यौहार हो और कुछ मज़ेदार मीठा बन जाए तो और भी बात बन जाती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर, जो बनेगी चार तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप? वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स, और आज मैं लेके आई एक और बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। खीर बनाने की शुरुआत होती है कि हमने सबसे पहले ले बनाना है खीर का मिक्स। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध को एक हांडी के अंदर, याद रखिए हांडी या आप वो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन भारी बेस का लीजिएगा, इसमें मैंने डाल दी है 4 हरी इलायची कूट के, और साथ में कुछ स्ट्रैंड्स सैफरन के, जो बहुत ही टेस्ट, फ्लेवर और कलर देगा हमारे खीर को बहुत ही सुंदर। दूध में अच्छे से उबाला आते ही हमें नहीं कर देना है इसे सिम से। याद रखिए इसे रेगुलर चलाने की जरूरत नहीं होती है खीर को, लेकिन बीच बीच में चलाना जरूरी है। इस पर नजर रखिए क्योंकि ये खराब हो सकती है, नीचे से लग जाएगी तो बहुत ही टेस्ट बेकार हो जाता है। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है मुझे खीर को रखे हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे राइस। मैंने 1 कप राइस को 2 कप पानी के साथ विसल दिला दी है, 7 to 8 विसल के बाद मैंने इसे मैशर की मदद से मैश करके बीच में डाल दिया है, जो बेसिक हमारा टेस्ट देगा खीर को और बेसिकली गाढ़ा भी कर देगा। इसे उबालने से ये फायदा है कि ये जल्दी पक जाएगी हमारी खीर और अच्छे से खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। ये देखिए एक और मैंने लिया है वुडन, इससे भी आप अच्छे से मैश कर सकते हैं। मैं साथ साथ में इसी से स्टर करने वाली हूँ, इससे एकदम से मुलायम और क्रीमी बनेगी हमारी खीर। खीर को मैंने सिमसेक पे ही रखा है और इसे चलाते रहना है 1 से 1.25 घंटे बाद। आप देखेंगे कंसिस्टेंसी हमारी खीर की, ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बन चुकी है खीर। और अब इसमें हम डालेंगे अपने मतलब से और टेस्ट से ड्राई फ्रूट्स। मैं डाल रही हूँ कटे हुए आलमंड्स और किशमिश भी, साथ में आप नारियल भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं गार्निश में यूज़ करूँगी नारियल को। इसे मिक्स करने के बाद हम तैयारी करते हैं अब अपनी चारों खीर की, जो बनेगी बहुत ही इजी। ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि अभी तक इसमें मैंने कुछ भी मीठा नहीं डाला है। दूध गाढ़ा होके थोड़ा मीठा हो जाता है, लेकिन चारों जो सी मेरी हैं खीर वो अलग अलग फ्लेवर्स की बनेंगी, तो तब मैं चीनी डालूंगी। मैंने जो से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है खीर को, उसमें 3 से 4 करछी हर एक पार्ट में आएगी। पहले मैं तैयारी कर रही हूँ गुड़ वाली खीर की। मैंने 1 पीस गुड़ का डाल दूंगी मैं इसमें और इसे मेल्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा मत क्वांटिटी में डालिए गुड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो उसको स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। आप थोड़ा गुड़ डालिए, उसे मेल्ट कीजिए, अच्छे से उसको तैयार कीजिए। आपको लगे कि कुछ मीठा कम है तो गुड़ और ऐड आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया, हमारी गुड़ वाली खीर हो गई है रेडी। अगली खीर रहेगी मेरी गुलाब खीर, जिसमें जाएगा गुलकंद। गुलकंद बेसिकली जो होता है वो होता है एक्सट्रैक्ट रोज पेटल्स का, और इसमें सुपारी सौंफ सब मिक्स थी। आप चाहें तो प्लेन वाला भी गुलकंद यूज़ कर सकते हैं, किसी भी माउथ फ्रेशनर की दुकान से आपको मिल जाएगा ये, नहीं तो पान शॉप पे। आप गुलकंद डालने के बाद अपनी खीर को टेस्ट कीजिए, आपको कमी लगती है तो आप और गुलकंद डाल सकते हैं। अगले खीर के पोर्शन में मैं डालूंगी चॉकलेट। बेसिकली इसमें जाएगा 50 ग्राम्स वाइट चॉकलेट, कुछ चोको चिप्स और डार्क चॉकलेट। आप अपने हिसाब से प्रोपोर्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच कोको पाउडर। आप इसे डालने के बाद, मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं मीठा, आपको कम लगे तो आप चीनी डाल सकते हैं, बट इससे एकदम अप्रोप्रिएट बनता है। मैंने चीनी नहीं डाला था खीर में, आप अपने हिसाब से, आपको चीनी कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट रहेगा आई गेस बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल हॉट चॉकलेट फज जैसा, बहुत ही यमी फ्लेवर आता है इसका। लीजिए तैयार है हमारी चॉकलेट खीर भी। अब आई बारी हमारी केसर खीर की, जो कि सबके लिए एकदम पसंदीदा रहती है। ये वही 1 पोर्शन है हमारा खीर, इसमें मैंने सिर्फ शुगर डाला है।
मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं एकदम, हमारे घर में चलता है मीठा, बिल्कुल मीडियम, तो वैसा ही मैंने शुगर डाला है। तो लीजिए, तैयार है हमारी केसर खीर भी, आइए इसे करते हैं सर्व। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने आज का वीडियो देख के इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।